अपनी लाइफ को लेके हर इंसान सपने देखता है और देखने भी चाहिए, लेकिन कितने लोग हैं जो अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं? शायद 100 में से एक या दो, और ये एक या दो भी वो होते हैं जिनको दुनिया जिद्दी कहती है। इनके अंदर जिद होती है कुछ करने की। नमस्कार, ग्रीपिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूँ जगदीश जोशी और मैं आपको एक ऐसे ही जिद्दी इंसान के बारे में बताऊँगा जिसके अंदर जिद थी अपने सपनों को पूरा करने की। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल ग्रीपिंग एकेडमी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं इस चैनल में आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो डालता रहता हूँ जो कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अगर आप डेस्कटॉप में हमारी वीडियो देख रहे हैं तो ये जो सब्सक्राइब का बटन है आप उस पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप मोबाइल में अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप ये जो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है आप उस पर सब्सक्राइब करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए दोस्तों आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिलीप सांघवी का जन्म 1 जनवरी 1955 को गुजरात के छोटे से गांव अमरेली में हुआ था। इनके पिता का नाम शांतिलाल सांघवी और माता का नाम कुमुद सांघवी है। इनके पिता का कलकत्ता में दवाइयों का छोटा सा कारोबार था जिसमें वो दवाइयां सप्लाई करते थे। दिलीप सांघवी जी को बचपन से ही पढ़ने लिखने में काफ़ी रुचि थी। जे अजमेर हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और बीकॉम की डिग्री हासिल की। सन 1983 में दिलीप सांघवी ने अपने पिता से 10,000 रुपये उधार लिए और अपने दोस्तों के साथ मिलकर सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत कर दी, और आज इनकी कंपनी भारत की सबसे बड़ी दवा बनाने वाली कंपनी है। सन 1983 में जब दिलीप सांघवी ने सन फार्मा की स्टार्टिंग की तो उन्होंने सिर्फ 5 प्रोडक्ट से स्टार्टिंग की। इन 5 प्रोडक्ट्स में वो दवाइयां थी जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। आज अगर दिलीप सांघवी जी से उनके सक्सेस के बारे में पूछा जाता है तो वो एक ही बात कहते हैं कि उनको अपने काम से बहुत प्यार है और वो हार्डवर्क करने में विश्वास रखते हैं। दिलीप सांघवी आज भी पूरी दुनिया में खतरे मोल लेने वाले बिजनेसमैन की तरह जाने जाते हैं, क्योंकि वो उन सभी कंपनियों में दिलचस्पी दिखाते हैं जो कंपनियां पहले से ही घाटे में जा रही होती हैं। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जिस भी घाटे में जा रही कंपनी को वो खरीदते हैं वो कंपनी प्रॉफिट में दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है, जिसमें रैन वैक्सी का नाम सबसे पहले लिया जाना चाहिए। सन 2011 में दिलीप सांघवी जी अपनी मेहनत की वजह से भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके थे, जिसमें उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया था, और अभी भी वो भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दोस्तों अगर आज के समय में कोई व्यक्ति बोलता है कि एक आम आदमी सक्सेस हो ही नहीं सकता तो उसको दिलीप सांघवी जी से ज़रूर सीखना चाहिए। फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो ज़रूर आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। हमारी आने वाली वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।